स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी जिसके एंगल ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है। जैसे ट्राइंगल ए बी सी है, इसका जो इंटीरियर एंगल ए बी सी है ना, ये क्या है, इनके इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। देन शो डैट, तब हमें बताना है जो साइन बी प्लस सी अपॉन टू है वो किसके बराबर है, कॉस ए बाई टू के बराबर है, ठीक है। ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं। अब हमें एक चीज यहां पे पता है, क्या पता है कि ट्राइंगल का सम कितना होता है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। क्या है, हमें पता है कि ट्राइंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं, बी प्लस सी स्क्वायर टू 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। ए को मैं उधर ले जाता हूं, 180 माइनस ए बी सी, तो मैंने वो लिख दिया बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब क्या है, ये जो मेरे पास आया यहां पे क्या है, आया हमें पास बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब मैं इनको क्या करता हूं, दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूं बाई टू, बाई टू डिवाइड कर देता हूं, मतलब डिवाइड बाई टू, ठीक है, डिवाइड बाई टू बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड में क्या क्या टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ये एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है, इक्वल टू क्या बन गया, देखो टू से 180 डिग्री कट गया मतलब 90 डिग्री माइनस, देखो दो इसके पास भी है, दो इसके पास भी है, तो ए अपॉन टू आ गया, ठीक है। हमारे पास ये चीज बनी, हमारे पास ये चीज बनी बी सी अपॉन टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, ठीक है। अभी देखो क्या ये क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, साइन बी सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए बाय टू। अब बी सी बाय बी प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो बी प्लस सी की टू की वैल्यू है 90 माइनस ए बाय टू है, तो क्या मैं इसको पुट कर सकता हूं, साइन बी से अपॉन टू क्या ले सकता हूं, 90 डिग्री माइनस ए बाय टू इक्वल टू कॉस ए बाय टू। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देखो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये बाय टू क्या है, ए बाय टू का एंगल ही है थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कॉस थीटा मतलब कॉस ए बाय टू इक्वल टू कॉस ए बाय टू, मतलब मैंने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने यही तो प्रूव करना था। तो साइन बी सी प्लस टू है इक्वल टू कॉस ए बाय टू है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या कहता है, कहता है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अभी क्या है ना, जो साइन 67 डिग्री है एंड कॉस 75 डिग्री है, इसको क्या है, मतलब कि 45 से बड़े है ना, इसको 45 से कम लेकर आना है, तो कैसे लेकर आना है ये देखते हैं। देखो पहला उठा लेते हैं हम लोग, क्या साइन 67 डिग्री है, तो साइन 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, कॉस 90 डिग्री, नहीं ऐसे नहीं बताता, मैं आपको बताता हूं। देखो साइन 67 डिग्री है, क्या है साइन 67 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 होगा, 23 डिग्री, ठीक है। क्या मैं साइन 67 डिग्री को साइन 90 माइनस 23 लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, क्यों, 90 माइनस 23 क्या होगा, 67 ही होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज ये पता है, क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, कॉस 23 डिग्री, कॉस थीटा बन जाएगा ना, साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 23 जो थीटा यहाँ पे होगा वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमने कंफर्म कर दिया, दूसरा देखते हैं यहाँ पे, कॉस 75, कॉस 75 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस
90 डिग्री माइनस 15, ये मैं लिख सकता हूँ क्या? कॉस 90 माइनस 15 डिग्री तो 75 के ही होगा ना, 90 माइनस 15 डिग्री क्या होगा, 75 के होगा। अब मुझे एक चीज पता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा मतलब 15 डिग्री, मतलब साइन 15 डिग्री कॉस 23 डिग्री। ये डिग्री पे ध्यान दो तो दोनों क्या है 45 से कम है, तो ये वैल्यू जो है cos 75 की वैल्यू और sin 67 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ मैं इक्वेशन में, तो पुट कर देते हैं sin 67। देखो sin 67 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थी cos 23, क्या था ये cos 23 डिग्री, एंड cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या हमारे पास, प्लस sin 75 डिग्री। तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया कितनी रेशो में बिटवीन जो एंगल है 0 और 45 डिग्री, ये मतलब कि 0 से बड़ा 45 से छोटा, ये सॉरी साइन 15 डिग्री 75 नहीं साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री है ना, तो साइन 15 डिग्री मतलब 45 डिग्री से छोटा है।